हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम नई रेसिपी लेके आई हूँ, मैंगो रसमलाई। मैंगो रसमलाई शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और ये रेसिपी हम बिना गैस और बिना ओवन के बनाने वाले हैं, बहुत कम समय में और झटपट। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे आम, कुछ ड्राई फ्रूट्स, मिठाई मेड या मिल्क मेड और ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। सबसे पहले ये जो आम है वो हम लेंगे। मैंने यहाँ पे केसर आम लिया है, उसका छिलका पहले से निकाल के रखा हुआ। देखिए कितना सुंदर कलर दिख रहा है उसका। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। कट करने के बाद मैं जो इसका जूस रेडी करने वाली हूँ उसमें मैं पानी से रेडी करूँगी उसको। आप दूध भी डाल सकते हैं, बट मैं पानी डाल के इसका जूस रेडी करने वाली हूँ। ये जूस हमारा रेडी हो गया है, जो रस है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बोल में डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर पानी इसलिए डाला क्योंकि जो इसका कलर है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आप इसमें दूध डाल सकते हैं, बस कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। और पानी के साथ मैंने रस बनाया, मैं इसके अंदर अभी मिठाई मेड भी डालूंगी, तो उससे क्या होगा, जो इसका कलर है थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये हमारा रस रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो मिठाई मेड है वो डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है हमें। ये इसके अंदर हम करीब 3 से 4 चम्मच डालेंगे। ये जो हमारा चम्मच है आप देख पा रहे होंगे, ये जो चम्मच का साइज है बहुत छोटा नहीं है। जो हमारा सर्विंग स्पून होता है ये वो है, तो ये चम्मच से हम इसमें 3 से 4 चम्मच डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ये जो ब्रेड है अब हम वो लेंगे। एक बोल में हम पहले पानी लेते हैं, उसके बाद ये जो ब्रेड है ये देखिए कितना सॉफ्ट है, फ्रेश है। इसके जो किनारे हैं वो पहले से कट हैं, मैं मार्केट से ऐसा ही लाई थी। आपको ऐसे ब्रेड नहीं मिलेंगे तो आप घर पे कट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का, उसे हम पानी में डालेंगे और अपने हाथों से अच्छे से दबाएंगे ताकि जो उसका सारा पानी है वो निकल जाए। और इसके अंदर हम जो ड्राई फ्रूट्स है वो स्टफ करेंगे। आप इसके अंदर मावा भी डाल सकते हैं, मावा डालने से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। और इस तरीके से दबा के हम एक राउंड शेप दे देंगे। ये रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम ये सारे बनाएंगे। ब्रेड को अच्छे से दबा के इसका पूरा पानी निकालना है हमें, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
ये हमारे सारे रेडी हो गए हैं, अभी दो स्लाइसेस बचे हैं। तो अब मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगी रसमलाई। एक कोई भी हमें ढक्कन लेना है, छोटा या बड़ा। बड़ा लेंगे तो इसमें दो बन पाएंगे, छोटा लेंगे तो इसमें इस तरीके से चार कट होंगे। तो ऐसे चार स्लाइसेस आएंगे राउंड शेप में। मेरे ब्रेड का साइज थोड़ा बड़ा है, आपके अगर आप छोटा साइज का ब्रेड लेंगे तो शायद उसमें दो ही बन पाए इस वाले ढक्कन से। ये देखिए सारे जो स्लाइसेस है वो कट हो गए हैं। अब हम एक छोटा सा बोल लेंगे, बोल के अंदर हम इनको सेट करेंगे अच्छे से। ये सेट हो गए। अब हम इसके अंदर ये जो आम रस है वो डालेंगे। अच्छे से भर के डालना है हमें। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब ये जो बचा हुआ रस है उसके अंदर हम ये जो हमने स्टफ करके रखा था स्टफ्ड वाला इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बहुत देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना रसीला दिख रहा है। बहुत देर तक हमें इसे नहीं रखना है, जब खाना है उसके 3-4 मिनट ही पहले हमें रस के अंदर डालना है और फिर इसे तुरंत खाना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, रसीला एकदम। मुझे ये वाला रसमलाई ज़्यादा अच्छा लगता है स्टफ्ड के कंपेयर में, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और एकदम रसीला सा होता है। तो देखा ना आपने कितना आसान था ये बनाना, कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।